हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो ये डाटाबेस होता है, इसको एक्सेल में बनाते हैं, लेकिन आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हो। तो उसके लिए हम टेबल्स वगैरह यूज़ करें हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है। ये हमारी टेबल कमांड है। अगर तो आपको कोई रेडीमेड टेबल बनाना है तो ऐसे आप सेलेक्ट कर दो तो रेडीमेड बनेगा। हमें खुद ड्रा करना है तो उसके लिए हम ड्रा टेबल यूज़ करेंगे और ऐसे पेज के सेंटर में एक बॉक्स लगा लेंगे। अब इसके ऊपर करना क्या है कि जैसे मान लो इस पोर्शन में मेरे को हेडिंग देना है और इतने पोर्शन में मेरे को इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह मार्कशीट का, और यहाँ पे हेडिंग होगा, सीरियल नंबर वगैरह। फिर इसमें मेरे को इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सब्जेक्ट वगैरह मेंशन करने, तो जितना भी आपको चाहिए आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर इसके कॉलम बना लो, जैसे इतने पोर्शन में मैं सीरियल नंबर लिखूँगा, और ये थोड़ा बड़ा बना लिया है मैंने, इसके सेल थोड़े बड़े रख लिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट लिखने हैं। फिर मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ऐसे करके आप इसको सेटिंग कर सकते हो। अगर मान लो मेरे को ये वाले सेल जो हैं, इसकी जो कॉलम्स हैं एक जैसे करने, तो ये प्रॉपर्टी बार के ऊपर लेआउट में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो यहाँ पे टिक कर दो तो ये कॉलम का साइज एक जैसा हो गया। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। जैसे जहाँ पे लिखना है मार्कशीट, मार्कशीट हेडिंग लिखने के बाद इसको सेंटर में ले जाना है और होम पे जाके थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो, यहाँ से अक्षर बोल्ड कर दो, तो ये मेरा हेडिंग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मेरे को एक लाइन छोड़ के लिखना है नेम, फादर नेम वगैरह, तो मैं यहाँ पे नेम लिख लूँगा। फिर चाहिए हमें फादर नेम, उसके बाद मदर नेम भी चाहिए, जितनी भी लाइन चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे एक रोल नंबर का कॉलम लाइन ऐड कर लेता हूँ। और एक लाइन और चाहिए मेरे को क्लास के लिए, कौन सी क्लास की मार्कशीट है। तो मान लो मेरे को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ही जरूरत है, तो वो मैंने बना लिए। अब यहाँ पे मेरे को चाहिए सीरियल नंबर, इस कॉलम में चाहिए सब्जेक्ट, इस कॉलम में जो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स हैं, और यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लो, ये मेरे 7 सब्जेक्ट हो गए। यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम लिख लो, जैसे मान लो इंग्लिश में से मेरे को मैक्सिमम 100 में से
पास होने के लिए 33 चाहिए और आए कितने, मान लो 52। ऐसे ही पंजाबी का सब्जेक्ट में लिख लो, 100 में से 33 चाहिए और आए कितने, 48। और ऐसे ही आप हिंदी सब्जेक्ट यूज़ कर लो, आउट ऑफ 100 33 और यहाँ पे मान लो 55 आए। एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। और साइंस लिख लो, सोशल स्टडी हो गया, और एक सब्जेक्ट मान लो ड्राइंग लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए। 75 में से कम 25 चाहिए और आए कितने, 52। तो ये हमारे मार्क्स भी लिख लिए हैं। तो हमें यहाँ टोटल के लिए कॉलम और चाहिए, तो लेआउट में गए, ड्रा टेबल पे जाके यहाँ पे इसी में एक कॉलम और इंसर्ट कर लो। और ये इरेज कमांड है, मान लो ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। और यहाँ पे इन सब का टोटल लगाएंगे, तो लेआउट में ये फार्मूला बार है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ आपको फार्मूला के ऊपर टिक करके जस्ट ओके करना है। वैसे तो सारे फार्मूलाज वगैरह एक्सेल में लगते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ ये सम का एक फार्मूला है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे मेरे को रिज़ल्ट देना है, और यहाँ पे मान लो डेट वगैरह डालनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो देखिए हमारी लेआउट बन चुकी है, अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। जैसे मान लो जैसे मार्कशीट लिखा है, तो ऊपर तो लाइन के साथ टच कर गया है, लेकिन नीचे बहुत स्पेस बच गई है। तो उसके लिए आपको होम पे जाके यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना है। तो उसमें क्या होगा कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो ऊपर नीचे एक जैसी डिस्टेंस हो जाएगी। साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा साइज कर सकते हो। और अगर इसकी बैकग्राउंड में कोई फिल कलर करना है, तो लेआउट में से टेबल डिज़ाइन में से ये शेडिंग ऑप्शन है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को शेड दे सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे भी स्पेस ज़्यादा है, और होम पे जाके यहाँ पे टिक करके रिमूव स्पेस करके स्पेस कम कर सकते हो। अगर इनमें भी स्पेस कम करनी है तो सेलेक्ट करके यही कमांड यूज़ होगी, रिमूव स्पेस। इन सभी में भी सेम प्रॉब्लम है, तो सेलेक्ट करके क्या करना है, रिमूव स्पेस। तो आप देखोगे कि आपका टेबल बिल्कुल छोटा सा हो गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत साइज बड़ा रखना है, तो ऐसे 2-4 टेबल थोड़े बड़े कर लो, और फिर सभी को सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाके डिस्ट्रीब्यूट रो कर दो, तो सभी में एक जैसा गैप आ जाएगा। अब ये जो लिखे हैं इनको मेरे को सेंटर में रखना है, तो यहाँ पे आप सेंटर कर लो। सब्जेक्ट को भी सेंटर में रखना है, सीरियल नंबर भी सेंटर में चाहिए। ये 1 2 3 4 5 7 लिखा है, सेंटर में चाहिए। ये वाला पोर्शन भी सेंटर में चाहिए। तो ऐसे आप सेटिंग कर सकते हो। और ये जो हेडिंग है ये मेरे को बोल्ड चाहिए, तो बी प्रेस करके बोल्ड कर दो। साइज बड़ा चाहिए तो यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। बैकग्राउंड के ऊपर कलर देना है, टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ पे शेडिंग से कलर दे दो। सेम ऐसे ही है, जो जो टोटल आए हैं इनको भी बोल्ड करना है और एक पॉइंट साइज बड़ा रखना है, और डिज़ाइन में जाके शेडिंग में जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो ये हमारी जो इंटरनल सेटिंग है। यहाँ फोटो के लिए मान लो बॉक्स चाहिए, तो इंसर्ट में पहुंच के शेप में जाओ, और ये है टेक्स्ट बॉक्स कमांड।
टेक्स्ट बॉक्स कमांड से क्या होता है कि आप एक बॉक्स लगा के उसमें अपना मैटर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लिख देता हूँ और इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देता हूँ। साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब लेआउट के ऊपर आते हैं। जैसे मान लो टेबल डिज़ाइन है तो मेरे को आउटलाइन डबल चाहिए या ट्रिपल चाहिए, तो वो आपको यहाँ से सेट करनी है। जैसे मान लो मेरे को टेबल की जो लाइन है ये वाले स्टाइल में चाहिए, तो यहाँ यहाँ पे आप ओवरराइट करोगे, वहीं वहीं पे यही स्टाइल आपको मिलेगा। और अगर मान लो डबल लाइन वाला स्टाइल कहीं पे यूज़ करना है तो ऐसे आप डबल लाइन वाला स्टाइल यूज़ कर लो। लाइन की विथ बढ़ानी घटानी है तो जैसे मान लो यही लाइन है, यहाँ से आप उसकी विथ बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे को 1.5 पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी लाइन लगाओगे तो लाइन थोड़ी सी बोल्ड लगेगी। ऐसे करके आप अपनी मर्जी से कोई भी सेटिंग इजीली कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ बाहर वाली जो आउटलाइन है डबल है, मेरे को ट्रिपल चाहिए, तो इसमें ट्रिपल का भी ऑप्शन है, ये पड़ी है। अगर आपको अपना स्टाइल क्रिएट करना है, थोड़ा दूर करके लगाना है, थोड़ा पास करके लगाना है, तो इंसर्ट में जाके शेप ले लो, कोई भी रेक्टेंगल शेप ले लो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दो और शेप फिल में जाके नो फिल करो, उसका कलर हट जाएगा। आउटलाइन के ऊपर जाके उसकी आउटलाइन ब्लैक कर लो। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी हिसाब से जैसी मर्जी लेआउट दे सकते हो और बढ़िया सी मार्कशीट बना सकते हो। तो हमारा ये ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।